लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी हवा का रुख हर रोज बदल रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल और बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्य में बीजेपी लगातार मजबूत हो गई है, तो वहीं पर कांग्रेस और लेफ्ट लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बंगाल के समीकरण क्या है, किस पार्टी के हिस्से कितनी सीटें आ सकती है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। एक तरफ सूबे में लेफ्ट लगातार कमजोर हुई है, तो बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सत्ता में टीएमसी है तो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी बन चुकी है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला देखा जा सकता है। राज्य की हवा का रुख भी कुछ ऐसा ही नजर आने लगा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल की हवा का रुख क्या है? पश्चिम बंगाल में 2019 जैसा रिजल्ट देखा जा सकता है। टीएमसी को 20 से 22 सीटें मिलने के आसार है, बीजेपी को 15 से 18 सीटें मिल सकती है। चुनाव में टीएमसी बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। राज्य में कांग्रेस लेफ्ट का वोट बैंक ज्यादा नहीं। लोकसभा चुनाव के बीच हर रोज राज्य में सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक बीजेपी टीएमसी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन सीएए और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के घर छापा के बाद चुनाव अब दो तरफा हो गया है। पश्चिम बंगाल का रुझान और समीकरण, चुनाव पर सीएए का असर दिखाई दे सकता है। सीएए लागू होने के बाद 22 सीटों पर टीएमसी मजबूत दिख रही है। संदेश खाली मामले में बीजेपी को फायदा होता दिखा, लेकिन सीएए से बीजेपी को नुकसान की संभावना। बीजेपी का फोकस आदिवासी और महिला वोटर्स पर है। टीएमसी बंगाल कैंपेन और बाहरी बनाम बंगाली पर फोकस कर रही है, यानी कि साफ है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर देखी जाएगी। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस राज्य में 7 से 8 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन राज्य में दोनों पार्टियां लगातार कमजोर होती जा रही है, इस लिहाज से इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।